बच्चों अब थोड़ी सी एक बात और। जैसे कि एक लड़का 8 पेपर में पास हुआ 20 पेपर में से, ठीक है। हमने कहा कि पास होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। अब पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो याद रखो, प्रोबेबिलिटी में टोटल सम 1 होता है, जिसका परसेंटेज में 100 होता है। अब प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, ना होने को हम डैश का नाम दे देते हैं, इनका सम हमेशा 1 होता है। तो अब मैं अगर कहता हूँ कि इस बच्चे के या लड़के के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो इसकी सक्सेस की थी, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास दूसरे लफ्ज़ों में पास ना होने की या फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब 1 में से जब मैं 2/5 माइनस करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 3/5। इसका मतलब है कि इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। सही है भाई? तो बहुत सिंपल सी बात है यार, पहले तो एक एक चीज़ को क्लियर करो। अब प्रोबेबिलिटी में अक्सर जो लोग कंफ्यूज होते हैं, एक तो ये निशान पी का परमुटेशन और एक ये निशान सी का कम्बिनेशन। तो जो मेरी मैजिकल ट्रिक है परमुटेशन वाल, अब कन्फ्यूज ना, परमुटेशन का यूज़ करो कम्बिनेशन, सब क्लियर करवाता हूँ। परमुटेशन यूज़ करने की तुम लोग जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी मैजिकल ट्रिक को थ्रू। हाँ, कम्बिनेशन पे मैं बहुत जोर देता हूँ, ठीक है। परमुटेशन की भी ट्रिक बतानी है, लेकिन पहले एक बात सुनो। जैसे कि देखो, 7 × 2 किसके इक्वल होता है, ये सब चीज़ें। तो कम्बिनेशन के मेरे कुछ मैजिकल ट्रिक्स हैं। पहले 0 × फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये अच्छी तरह